वैशाली श्रीमती उदिता सिंह जिलाधिकारी वैशाली ने प्रधानमंत्री डायलिसिस इकाई योजना के तहत सदर अस्पताल वैशाली में 5 बेड के डायलिसिस इकाई का उद्घाटन किया। इकाई के संदर्भ में डीपीएम मणि भूषण ने बताया कि 5 बेड की इकाई में से 4 बेड केवल किडनी के इन्फेक्शन से ग्रसित एवं 1 बेड किडनी के अलावे अन्य बीमारी जैसे हेपेटाइटिस से ग्रसित के लिए होगा। उन्होंने ये बताया कि राशन कार्ड धारक एपीएल बीपीएल सभी को मुफ्त में लाभ मिलेगा, अन्य शेष को इलाज के लिए भुगतान करना होगा। सीतामढ़ी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में गुरुवार को कैंसर परामर्श शिविर के आयोजन की शुरुआत हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस के चौधरी ने किया। मौके पर एसीएमओ डॉक्टर एस के चौधरी ने कहा कि विश्व कैंसर दिवस मनाने का मकसद विभिन्न तरह के कैंसर के बारे में लोगों के बीच जागरूकता लाना है। मोतिहारी इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 के दौरान जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों और विद्यालय कर्मियों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस पालन करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने पर बल दिया। सिवान बढ़रिया थाना से स्थानांतरित पूर्व थानाध्यक्ष मनोज कुमार को समारोह का आयोजन कर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में नए थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर के साथ साथ बढ़रिया थाना के सभी स्टाफ सहित बढ़रिया क्षेत्र के कई मुखिया सरपंच सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। आज दिनांक 4 फरवरी 2021 को श्रीमती उदिता सिंह जिलाधिकारी वैशाली ने उप विकास आयुक्त वैशाली एवं डीआरडीए डायरेक्टर वैशाली के साथ नव प्रवर्तन योजना हेतु क्लस्टर विकास किए जाने के किए औद्योगिक क्षेत्र वैशाली का भौतिक निरीक्षण किया। वैशाली जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने प्रखंड प्रभारी पदाधिकारियों के साथ सभी प्रखंड पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पंचायत चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति का निराकरण समय अवधि के अंदर जांचों उपरांत करेगी। वैशाली जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह द्वारा समाहरणालय संबंध का कार्यालयों के प्रभारी को ई ऑफिस की शुरुआत एवं संचालन के बारे में बताया। सभी कार्यालय प्रभारियों को आगामी सोमवार से ई ऑफिस के माध्यम से संचिका एवं पत्रों को बढ़ाए जाने का निर्देश दिया।